I would start with we'll start it with Dharmender ji. Maybe you have noted. Kutta kamina matra kulpijanga. And a little bit of his son. Ye mazdoor ka hath hai, loha pigla ke aakar badal deta hai. And a little bit of okay. Actually, I am not here for the mimicry. I want to discuss something serious. None of us has been knotted till date. And whenever I try to sleep, जब भी मैं सोने जाता हूँ, पता नहीं कोई चीज़ है जो मुझे हर बार झंझोड़ के रख देती है. तो उस चीज़ के बारे में मुझे बताना ज़रूरी है. अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इस चीज को बाहर निकाल दूं या बता दूं, तो थोड़ा सा सुकून मिलेगा मुझे. मुझे लगता नहीं है कि एकदम से सुकून मिलेगा, पर शायद थोड़ा बहुत सुकून मिल सकता है. हम में से बहुत से लोग हैं जो कभी भी सोल्जर्स के बारे में सोचते नहीं है. हमारे देश का एक ऐसा लाल है जो पता नहीं मेरे पास आता है हर वक्त और मुझे कुछ कहना चाहता है. पता नहीं शायद अभी मैं खुद वो कहूंगा या वो ही आके बोलने वाला है. हाय, मायसेल्फ कैप्टन अनुज नायर. आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग. हमारे भारत देश के सभी भारतवासी आराम से जीते हैं, चैन से सोते हैं. कभी किसी ने नोट किया है कि एक सोल्जर जो होता है उसके बारे में कोई कभी सोचता है? नहीं सोचता है. क्यों नहीं सोचते हो? आज मैं बताने आया हूं यहां पे मैंने जो फील किया है. हालांकि मैं अभी इस दुनिया में हूं नहीं. महज 21 साल की उम्र में मैं शहीद हुआ था, पर मेरी रूह, माई सोल हैज गॉन टू माई होम. और मेरी आत्मा ने जो देखा है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूं. मैं जिस दिन मेरे घर गया, मेरे पापा, एक शहीद सोल्जर के पापा, मतलब बट उनको अकेले में मैंने देखा. मेरी रूह ने उन्हें देखा है आंसू बहाते हुए. कभी किसी ने नहीं देखा, मैंने उनको देखा. मेरी मां को क्या पड़ी थी जिन्होंने मुझे 9 महीने पालक पेट में रखा, पाल पोष के 21 साल का किया, सिर्फ शहीद करने के लिए? क्या उनको क्या पड़ी, क्या थी आखिर, क्यों उन्होंने मुझे भेज दिया जंग पे सिर्फ शहीद होने के लिए? मेरा भाई, आप सबको शायद मालूम नहीं है, पर जिस दिन जंग का ऐलान हुआ ना, उसके 15 दिन पहले ही मेरी सगाई हुई थी और मेरी शादी होने वाली थी थोड़े दिनों में. मैंने उस लड़की को आखिर बार देखा था. मैं बोल नहीं सकता हूं क्योंकि मैं उसे फिर से मिल नहीं पाया. क्यों मुझे नहीं पता. शायद उस वक्त मैंने अपने देश को सिर्फ इंपॉर्टेंस दिया था, आई डोंट नो. बट आप सब लोगों से मैं इतना कहना चाहता हूं, मेरी मां को मैं जब देखता हूं ना, मैं कुछ बोल नहीं पाता हूं क्योंकि मैं किसी को बता नहीं पाता हूं कि मैं हूं यहां पे. क्यों? आई एम अ सोल, आई एम अ शहीद, बट माई सोल नो व्हाट माई फैमिली फील्स. हम सब लोग सोचते हैं कि आर्मी में बहुत सैलरी मिलती है, तो क्या किसी मां बाप को शौक होता है बच्चों को शहादत पे भेजने का?
पैसे के लिए कोई अपनी जान दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। मुझसे पूछिए मेरी बहन के बारे में, वो मैं बयान नहीं कर सकता हूं। मैं सिर्फ खुद फील कर सकता हूं, कुछ भी बयान नहीं कर सकता हूं। और ये सब जो है ना, वो मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं कि अगर मैंने खुद ने जो फील किया है, किसी भी एक इंसान को अगर वो चीज फील हो जाएगी तो आई एम थ्रू, मेरा प्रयत्न सफल है, मुझे एक राहत मिलेगी, मुझे एक संतोष मिलेगा, एक ठहराव मिलेगा। कैप्टन अनुज शर्मा, उसको इतना सुकून मिलेगा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। सुना आप लोगों ने, कौन था ये? पता है आपको? पता नहीं, ये बार बार आता है, मुझे परेशान करता है। पर क्यों, क्यों करता है परेशान, मैं खुद भी नहीं जानता। पर वो जब भी आता है ना, मुझे यहां बहुत दर्द होता है। मैंने खुद ने भी देखा है, बहुत से लोग हैं, बहुत सी बातें बनाते हैं, बोलने को सब बोलते हैं। बताओ आप लोग, आप में से कितने लोग हैं जो सरहद पे जा सकते हैं और महज 21 साल की उम्र में शहीद हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। उसके लिए जिगर चाहिए। और वो माँ जो रोती है, अकेले में रोती है, शहीद की माँ है, किसी को बताती नहीं है, ऊपर से गर्व लेती है कि मेरा बेटा शहीद है। पर वो भी इंसान है ना आखिर में, उसे दर्द नहीं होता है? कौन सी माँ होगी जो अपने 21 साल के बच्चे को कुर्बान कर दे और उसे तकलीफ ना हो? नहीं है ऐसा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि किसी एक इंसान को अगर मेरी ये फीलिंग टच हुई ना, मुझे बहुत सुकून मिलेगा। अनुज शर्मा की आत्मा को भी बहुत सुकून मिलेगा। और कहा जाता है ना कि जब गाना गाना हो तो सुर आना चाहिए, लय ताल सब चीजें होनी चाहिए। पर मैं वैसे नहीं मानता हूं। अगर फीलिंग सही हो ना तो बेसुरे से बेसुरा गाना भी अच्छा लगता है। मैं आखिर में सिर्फ ये गाना गाना चाहता हूं और कुछ भी नहीं कहना चाहता, सिर्फ ये गाना गाना चाहता हूं। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। शहीद हुए हैं उनकी।
शहीद।